देखिए बेटा, ये अच्छा प्रॉब्लम है। हम एज्यूम करेंगे लॉग एक्स टू द बेस वाई को 1 प्लस डी, लॉग वाई टू द बेस जेड को 1 प्लस 2 डी, लॉग जेड टू द बेस एक्स -15 इंटू इसको लेते हैं 1 प्लस 3 डी। तो यहाँ से देखिए एक्स आ जाएगा वाई टू द पावर 1 प्लस डी, यहाँ आ जाएगा वाई जेड टू द पावर 1 प्लस 2 डी, और यहाँ से आ जाएगा जेड आ जाएगा एक्स टू द पावर -1 प्लस 3 डी अपॉन 15, ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करिए, वाई की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो आएगा एक्स आ जाएगा जेड की पावर 1 प्लस डी इंटू 1 प्लस 2 डी। ठीक है, यहाँ से एक्स निकालते हैं तो कितना आएगा, यहाँ से जेड की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा एक्स टू द पावर 1 प्लस डी 1 प्लस 2 डी 1 प्लस 3 डी अपॉन 15 निगेटिव टाइम्स। आप दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू -1 प्लस डी 1 प्लस 2 डी 1 प्लस 3 डी अपॉन 15। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आ रहा है 1 प्लस 11 डी प्लस 6D² प्लस 6D³। तो 6D³ प्लस 6D² प्लस 11D प्लस 16 इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, इसको हम कैलकुलेशन है थोड़ा सा, इसको हमें सिंपलीफाई करना पड़ेगा। क्या आ रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -15 इज इक्वल टू 1 प्लस डी इंटू 1 प्लस 5 डी प्लस 6D² अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 5 डी प्लस 6D² प्लस डी प्लस 5D² प्लस 6D³। प्रॉपरली लिखते हैं तो आ जाएगा 6D² प्लस 11D² प्लस 6D प्लस 16 इक्वल टू 0। अब इसमें हम सिंपल सी हिट एंड ट्रायल लगाते हैं, डी इक्वल टू -2 पुट करते हैं तो कितना आ रहा है, देखिए तो आ रहा है -48 प्लस 44 -12 प्लस 16। तो ये देखिए -60 आ रहा है, ये +60 आ रहा है, तो 0 सेटिस्फाई कर रहा है। तो बेसिकली हिट एंड ट्रायल से सिंपल डी इक्वल टू आ रहा है -2। अच्छा, अब देखिए यदि मैंने इस पे डी इक्वल टू -2 पुट किया इनमें, तो डी इक्वल टू -2 पुट करूँ तो एक्स क्या आएगा, वाई की पावर -1 आएगा, वाई आएगा जेड की पावर -3 एंड जेड आएगा एक्स टू द पावर -1/3, सॉरी 1/3 आ रहा है। अब हम ऑप्शन से चेक करते हैं तो देखिए जेड क्यूब इक्वल टू एक्स यहाँ से आ जाएगा, तो पहला सही है, एक्स इक्वल टू वाई की पावर ये भी सही है, जेड की पावर -3 इक्वल टू वाई ये भी सही है, तो मतलब ऑल दी ऑप्शन करेक्ट हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 16 वाला आप छोड़ दीजिए क्योंकि आपने इन्वर्स अभी नहीं पढ़ा है।